वेलकम टू कॉफ्टस इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज बनाएंगे मोहितो कॉकटेल। बहुत फेमस ये कॉकटेल है, वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। आप ना कहीं भी जाओ, वर्ल्ड का कोई भी कॉर्नर में जाओ, कोई भी बार में जाओ, जाके बोलो कि मुझे मोहितो पीना है, तो आपको तुरंत वो बार्टेंडर बना के दे देगा। इतना फेमस कॉकटेल है। इस कॉकटेल को स्पेशली एंजॉय किया जाता है दोपहर को। एक्चुअली इस कॉकटेल को कहा जाता है रिफ्रेशिंग कॉकटेल। आज इस कॉकटेल को बनाना सीखेंगे और उसके लिए एकदम सिंपल इंग्रेडिएंट्स है जो आपका किचन में आराम से मिल जाता है। चलिए इस कॉकटेल को तुरंत बनाते हैं। तो यह कॉकटेल को बनाने के लिए यह है इंग्रेडिएंट लिस्ट। चलिए, तो पहले मैं लूंगा एक टॉल ग्लास। मतलब कॉकटेल को बनाने के लिए टॉल ग्लास बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो कॉकटेल है, ये रिफ्रेशिंग कॉकटेल है, टॉल ग्लास में मस्त लगता है। तो मिल गया टॉल ग्लास। अब मैं दिखाऊंगा कि लाइम चंक, मतलब मैंने लेमन को काट के रखा है। यहाँ पर दो लेमन का मैंने चंक बना लिया है, और दो लेमन का चंक आप दे सकते हो अगर छोटा लेमन हुआ। अगर बड़ा लेमन हुआ तो एक लेमन का जितना चंक निकलता है उतना ही काफी है। इसको हम लोग दे देंगे ग्लास के अंदर में। तो सेकंड इंग्रेडिएंट्स है मिंट लीव्स, जो बहुत जरूरी है इस कॉकटेल को शानदार बनाने के लिए, रिफ्रेशिंग बनाने के लिए। तो मैंने मिंट लीव को सेपरेट करके रख दिया था, तो मैं यहाँ पर मिंट लीव को दे दूंगा अंदर में। थोड़ा ज्यादा करके दीजिए, जैसे कि फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा मिले। अब थर्ड इंग्रेडिएंट्स में मैं यूज करूंगा कैस्टर शुगर। ये जो शुगर है, ये बारीक शुगर है। अगर आपके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप रेगुलर शुगर भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दूंगा 1 टीस्पून। अब अगर स्वीट आप ज्यादा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा ज्यादा भी दे सकते हैं, दिक्कत नहीं है। 1 टीस्पून काफी है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कितना स्वीट आपको चाहिए। अब इसको कर देना है मॉडल, और जब मॉडल कीजिएगा तो बहुत जेंटल मॉडल कीजिए, सो दैट ये जो लेमन है उसका एसेंशियल ऑयल निकल के आ जाए, और ये जो मिंट है थोड़ा अच्छा तरीके से मॉडल भी हो जाए। तो चलिए मॉडल करते हैं। बस काफी है, मस्त खुशबू आ रहा है। मतलब वो जो मिंट का फ्रेशनेस है, क्या बताएं। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे बकार्डी व्हाइट रम। व्हाइट रम का जो ब्रांड आपके पास अवेलेबल है आप वही दे सकते हैं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि बकार्डी देना पड़ेगा। मेरे पास है बकार्डी तो मैं आज यूज कर रहा हूँ। अगर आप वोडका से बनाना चाहते हैं तो आप वोडका भी डाल सकते हैं, तब ये मोहितो नहीं कहलाएगा, क्योंकि मोहितो जो है ये एक क्लासिक कॉकटेल है, हमेशा व्हाइट रम से बनेगा। तो अगर आपके पास वोडका डाल दीजिए, बहुत मस्त बनता है। तो चलिए मैं 60 ml बकार्डी व्हाइट रम को डालूंगा। अब इसमें हम लोग देंगे लॉट्स ऑफ क्रस्ट आइस। तो ये रहा क्रस्ट आइस। फ्रेंड्स, मैं एक बात बोल दूं कि अगर आपके पास क्रस्ट आइस नहीं है तो आप होल आइस को तोड़ के क्रस्ट आइस बना सकते हैं, और अगर ये आपको लगता है कि बहुत झंझट है तो आप सिंपली होल आइस भी दे सकते हैं। मैं क्रस्ट करके रखा था तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें पोर कर दूंगा। लॉट्स ऑफ क्रस्ट आइस, ये देखिए ग्लास मैंने पूरा भर दिया है, ऑलमोस्ट फुल है। यही है ना मजा, दोपहर का ड्रिंक है, रिफ्रेशिंग कॉकटेल है, तो लॉट्स ऑफ आइस होना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर दूंगा, थोड़ा सा, वो जो नीचे सब सेटल्ड हो चुका है थोड़ा सा ऊपर उठा दें, थोड़ा सा। अब फाइनल टचअप सोडा, इसमें सोडा ऐड करना है। अगर आप मीठा पसंद करते हैं, आपका पैलेट मीठा है, तो आप स्प्राइट भी डाल सकते हैं, स्प्राइट या 7 अप, बट ऑथेंटिकली सोडा जाता है, तो मैं सोडा पूर करूंगा। भीग गया, पूरा भीग गया, मुझे मालूम नहीं था कि ये ऐसा हाल होगा। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया सोडा। अब मैं थोड़ा सा झाड़ लेता हूं, ये जगह पूरा गंद हो चुका है, गंद मच चुका है, कोई बात नहीं, मैं बना लिया, ऑलमोस्ट मेरा कॉकटेल भी रेडी है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट कर लीजिए आराम से, ये देखिए। अब फाइनल टचअप गार्निश, और इसमें हम लोग गार्निश देंगे
ऑफ कोर्स मिंट को, और आप चाहे तो लेमन को या लाइम को व्हील की शक्ल में काट के भी आप इसमें गार्निश कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेश मिंट को यहाँ पर गार्निश कर देते हैं। तो ये है फ्रेश मिंट, तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे गार्निश कर, लॉट्स ऑफ फ्रेश मिंट। कैसा लग रहा है? अब एक स्ट्रॉ डालते हैं जो मोहितो का कंपल्सरी आइटम है, और कॉकटेल कंप्लीटली रेडी है। ये है आपका मोहितो कॉकटेल। कैसा लग रहा है देखने में? सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चलिए मैं टेस्ट करता हूं फटाफट और आपको बताता हूं कि मेरे मुझे कैसा लग रहा है। वंडरफुल, मतलब क्या रिफ्रेशिंग कॉकटेल है। माउथ में यू नो मिंट का बस्ट हो चुका है। अमेजिंग कॉकटेल। जिन्होंने इस कॉकटेल को इन्वेंट किया है मैं उसको हमेशा सैल्यूट करता हूं। क्या कॉकटेल बनाया है। बाय द वे, अगर आप बहुत थर्स्टी फील कर रहे हैं, दोपहर को आपको अल्कोहल पीने का मन कर रहा है, तो ऑर्डर कर दीजिए मोहितो। कैसा लगा ये कॉकटेल? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक यूनिक कॉकटेल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।